हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज है तकरीबन बस 10 मुहर्रम का दिन निकलने वाले कुछ ही देर में। फिलहाल तो अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा ही बस दिन निकला है। बस मेरी यही दुआ है कि 10 मुहर्रम के दिन जहाँ जहाँ भी आज़ादारी हो रही है, हर जगह पे पुरअमन हो और अच्छी हो, ठीक है ना। तो कुछ ही देर में बस दिन निकलेगा तो हम मजलिस पे जाएंगे। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और मौला के करम से इस व्लॉग में आपको अपनी सिटी का पूरा 10 मुहर्रम दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं जितनी मुझसे होती है जितनी मैं कोशिश करूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि यार हम आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, हम नहीं होते अपने शहर, ठीक है ना, लेकिन वो इसी शहर से हैं। तो उन्होंने कहा व्लॉग ज़रूर बनाना, पूरा कवर करना। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको मुहर्रम दिखाऊंगा अपने शहर का 10 मुहर्रम, ठीक है ना। कुछ ही देर में जब दिन निकलेगा फिर मजलिस पे जाएंगे, फिर मैं ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। खैर जी, या अली मदद करके चलते हैं इमाम बारगाह, जहाँ पे भी कुछ ही देर में ताबूत उठेगा और जलूस होगा। तो मैं किसी को मोबाइल दे दूँगा, वो वीडियो बनाएगा। खैर, आप लोगों ने मंजर देखा कितना प्यारा था। अब चलते हैं हम लोग बाजार। बाजार में चूँकि रश ज़्यादा होगा तो मैं आप लोगों को सिर्फ जुलूस ही दिखाऊंगा ज़्यादा। माशाल्लाह जी, ये आलम देखें। माशाल्लाह यार, ये मेरे खजानों की पार्टी है, इनके नाम आपको सुनाता हूँ। और ये इन्होंने साथ साथ सबील भी लगाई हुई है। माशाल्लाह जी, ये लोग भी मौला की नौकरी दे रहे हैं।
शबाद भाई पानी दो। ये मुताब भाई माशाल्लाह लगे हुए हैं अपनी नौकरी पे। शुक्रिया। शाबा मौला कबूल करे। आपको मैं इन लोगों का रोज़ा दिखाता हूँ। चलो आप लोग देखें तो ये भी ईजी जॉब नहीं है, काफ़ी टफ जॉब है। बार बार कोई ना कोई पानी पीने आ जाता है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद चला गया मैं दूसरी इमाम बारगाह जिसको कहा जाता है शहीन मौला, क्योंकि यहाँ पे मजलिस हो रही थी और कुछ देर बाद यहाँ पे मंजर करबला होने वाला था ज़ुलजनाह के साथ। तो आप लोग वो मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी रोज़ा गया है, ये उसके पीछे दूसरा रोज़ा जा रहा है माशाल्लाह। मैं कुछ देर थक गया था तो मैं कज़न लोगों के सबील में आके बैठा हूँ। सामने इनके रोज़े जो हैं वो जा रहे हैं। हम लोग कोल्ली इमाम हुसैन पहुँच रहे हैं जहाँ पे सारे रोज़े खड़े हैं। माशाल्लाह जी रोज़ा अपनी जगह पर यानी कोल्ली इमाम हुसैन पहुँचने वाला है। यार
ये है कोडली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम, सारे आप अंदर देखें तो सारे। अब जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, ये चीज़ मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि क्यों कोडली इमाम हुसैन के अंदर सारे रोज़े या ताज़िया क्यों आते हैं। अब चूँकि कोडली इमाम हुसैन एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और आपको पता है कि हर रोज़ा किसी न किसी एक इमाम के साथ मंसूब है, तो शहर के हर छोटे बड़े इमाम बारगाह से सारे ताज़िया यहीं पर ही आते हैं। कोडली से वापसी का सफर अल्लाह बाकी तो खुश रखे यार, एक इनके वाला मिल गया था, इतना लंबा सफ़र हमने इसी पे किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे, तो अब सीधा घर जाते हैं। ये हमारा छोटा सा दार भी एक हमारे साथ है, थोड़ा सा पानी दो पकड़। शुक्रिया। बस जी मोहरम भी गुजर गया, पता नहीं पता भी नहीं।